कानपुर जनपद से बड़ी खबर आ रही है। कानपुर नगर के जरौली फेस टू में रुद्र प्रताप की दुकान में जानबूझकर लगाई गई आग। भीषण आग से दुकान जलकर हुई खाक। पूरी खबर देखने के लिए साथ हमारे बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रजेश कुमार, कानपुर। प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल। आज यहाँ दुकान कर दुकान आग लगा दी। आज पूछते हैं क्या हो गया। क्या नाम सर आपका? मनीष शशांक सोनू बबली हमें कुल्लू बुलाते थे, हमारे जैसे गाड़ी बुलाते थे, हमारे लोग होते थे, लेकिन कई लोगों ने बचाव काफ़ी लोगों ने किया, वरना हम जवाने मार दिए। थोड़ा इस साइड आ जाओ। चार पाँच दिन से बराबर है। हेलो, यहाँ देखिए सर कितनी गुंडागर्दी हो रही है और उनके साथ ना इंसाफी हो रही है। गाड़ियाँ भी हैं, वो भी अब फोन कर रहे हैं कि हमारे जो नुकसान हुआ वो फोन देगा कैसे क्या रखता करो। काफ़ी नुकसान हो गया है, दो तीन लाख के आसपास ये नुकसान हुआ जो उसके बहुत जाते हैं। कितने समय से दुकान चला रहे हैं? कितने समय दुकान चल रही है? यहाँ पे अभी एक साल हो गया। एक साल ये मतलब अभी सात दिन में हमारे लोग कर रहे हैं। एक हफ्ते के ऊपर हो गया। दस दिन वाले लोग हाँ बराबर मारने धमकी देते हैं, रोज बंदूक बुलवाते हैं, गाड़ी बुलवाते हैं, मरवाते हैं, करते हैं, लेकिन वो तो से पैर भी छुआ है, फिर भी कल फैसला करवाया हुआ सुबह 4 बजे। आप यहाँ कब रहे हैं? हमको तो 21 साल हो गए। और ये कब से मतलब गुंडागर्दी कर रहे हैं? गुंडागर्दी तो बहुत दिन से चल रही, लेकिन एक हफ्ते देना गुंडागर्दी। इनने गाड़ी नहीं बनाई, मोटरसाइकिल फ्री में, इस वजह से इतनी गुंडाई। दो बार तीन बार बना चुके फ्री में। आपको कह रहा हूँ आप जानते हैं के बारे में कई दुकान में इसके क्या मतलब? अभी कंधे के हड़कार है, उसको दबा रहे हैं गाड़ी 4-5 दिन से ना। आप देखिए, आपने देखा जो मतलब ये कांड हुआ, मतलब जो हटाया गया इनको सुना देखा है? तो कौन मनीष सचान है? इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।